अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज बात करेंगे शहाब भाई के बारे में, और एक ऐसी बात बताने वाला हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब उस चीज़ की जानकारी आपको होगी तो आप एकदम खुश हो जाएंगे, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं डालता रहूँ और आप वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहें, जानकारी ले सकें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं आपको कि जब देखे एक बंदा, एक हिंदू भाई, ज़रा गौर करें, एक हिंदू भाई जब शहाब भाई के करीब आया, मोहम्मद शहाब के करीब आया, वो बंदा मिलने के लिए आया एक हिंदू भाई, और जब शहाब भाई से मुलाकात किया तो उसके गले में हाथ डाला, उससे हाथ मिलाई, गले मिलाया, और वो बंदा कह रहा है, वो हिंदू भाई कह रहा है कि आप मेरे लिए भी वहाँ जा कर के दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी आप वहाँ जा कर के दुआ कीजिएगा। बहुत सारी गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू करने के बाद वो बंदा कह रहा है कि मेरे लिए भी आप वहाँ दुआ कीजिएगा। मेरे दोस्तों, ज़रा गौर करें, और ये जज्बा देख करके, शहाब भाई का ये जज्बा देख करके एक ही शेर याद आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो इतने बड़े हौसले को लेकर के निकला है, बताए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना इज़्ज़त उसको बख्शा है, कितनी इज़्ज़तें दी है। हर बंदा जितने मिल रहे रास्ते में खैर, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सब उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, हर लोग उसका इस्तकबाल कर रहे हैं, सब लोग दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा वहाँ, आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा वहाँ। लेकिन हम ही में से चंद लोग ऐसे हैं भाई, कमेंट मेरे पास आते हैं, चंद लोग ऐसे हैं ना जो कहते हैं कि अपनी वाहवाही के लिए ऐसा काम कर रहा है, तो अपनी बराई के लिए, फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। तो मेरे भाई, ज़रा गौर करो, वो बंदे इतने जज्बे के साथ निकला है, अगर वो आपके कमेंट को पढ़ ले फिर वो बंदा रिटर्न आ जाए तो ज़माना क्या कहेगा। एक मुसलमान निकला था हज करने के लिए, उसको अपने ही लोगों ने उसको भड़का करके, उसके ज़हन में खुराफात डाल डाल करके उसको रिटर्न वापस बुलवा लिया, उसके काम, उसका काम नाकाम हो गया, वो बंदा वो काम नहीं कर पाया। तो मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं, हौसला बढ़ाएं, कोई भी आगे बढ़ता तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको और तरक्की दे, वो और आगे बढ़े, और उसी के सदक़े में हमको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरक्की दे। ये नहीं कि उसको पीछे खींचे, उसको बर्बाद करने की कोशिशें करें, ऐसा काम हरगिज़ ना करें। मेरे दोस्तों, हम मुसलमान हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, शब्बा खैर, अस्सलामु अलैकुम।